अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टू डायमेंशनल मैक्सिमा लास्ट टाइम जो है वो देख रहे थे, और उसमें अब हम लोगों ने देखना ये था कि जो प्रॉब्लम हमने वहाँ डिस्क्राइब की थी वो ये था कि एक कार को हमने इस तरह से परचेज करना है कि उसकी प्राइस भी चीप हो और वो फास्ट भी हो। तो उसके लिए हम लोगों ने ये वाला चार्ट जो है वो देखा था कि हम किस तरह से एक्स वाई प्लेन में जो है वो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, और किस तरह से हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है वो आपका जो है वो हमारे पास ऑप्टिमल पॉइंट एज अ ऑप्टिमल पॉइंट प्लेन पे शो हो रहा है। और ये ऑप्टिमल पॉइंट्स जो हैं ये रेड मार्क के साथ आपको यहाँ चार्ट पे डिस्प्ले किए गए हैं। और ऑप्टिमल पॉइंट जो होता है वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी पॉइंट डोमिनेंस नहीं रखता। अगर मैं आपको इस पॉइंट की बात करूं तो इसके ऊपर डोमिनेंट पॉइंट जो है वो ये वाला भी इसका डोमिनेंट पॉइंट है, यानी कि इसकी वैल्यूज दोनों वेरिएबल्स की से ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर दिस पॉइंट विद दिस, और इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसकी जो है वो हाई वैल्यू आएगी। सो द कंडीशन वाज दिस के जो आपकी प्राइस है वो जितनी लो होती जाएगी वो उतनी हमारे लिए सूटेबल है, और जितना हायर वाई की वैल्यू जाती जाएगी वो उतनी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, अब जो इस तरह के सिलेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो एल्गोरिदम नॉर्मली अप्रोच किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, ये जो है जी ये ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है। अच्छा, अगर आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को वैसे नॉर्मली देखें तो ये जो एल्गोरिदम है इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट जितने मैक्सिमम सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो तमाम के तमाम टेस्ट करें। इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाती हूँ। लेट सपोज हमारे पास था उसमें मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे एस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कहती हूँ ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ठीक है। अब ये हमारे पास जी सॉल्यूशंस हैं, अब ये किस चीज के सॉल्यूशंस हैं या ये किस चीज को जो है वो शो कर रहे हैं, हम लोग इसके लिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को ले लेते हैं। अब देखें आप के मैक्सिमम कलर्स जो हैं, कोई भी कलर अगर आप लोग लेते हैं, जैसे जिसको हम RGBA कलर इमेजेस के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, RGBA, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। रेड ग्रीन और ब्लू जो हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास प्राइमरी कलर्स हैं। अल्फा आपका जो होता है वो एक एलिमेंट होता है जिससे हम लोग इसकी इंटेंसिटी जो RGBA कलर्स होते हैं ना उसमें अल्फा के अंदर भी एक वैल्यू स्टोर की जाती है जो आपके कलर को जो है वो डिफाइन करने में हेल्प आउट करती है, जिसको एज अ कलर्ड इमेज। नॉर्मली आपके जो सिस्टम्स होते हैं वो ग्रे स्केल इमेजेस को ज्यादा फास्टली जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो अगर हम लोगों से ये कहा जाए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें इस तरह से है कि जितने भी कलर शेड्स हैं उनमें हमें बेसिकली देखना है कि आपके पास किन कलर्स को मिला के जो है वो कलर शेड्स जो है वो डिफरेंट बन रहे हैं। जैसे आप लोग सिंपली एक कलर पैलेट को देखते हैं, ठीक है, एक कलर पैलेट के अंदर देयर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और अगर आप देखेंगे ना तो उसके साथ में एक स्केल बना होता है जिसे आप सिर्फ ड्रैग कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे भी आपने अपना कर्सर पॉइंट पैलेट पे सेट किया होता है उससे ही डिफरेंट कलर के शेड्स जो है वो मिक्स हो के आपके पास आ रहे होते हैं, और उनकी बाइनरी वैल्यू साथ में जो है हेक्साडेसिमल वैल्यू वो आपकी शो हो रही होती है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या बन सकता है या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम RGBA के जरिए जो है वो मैं डिफाइन करना चाह रही हूँ कि RGBA के साथ हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो कलर तो आप कोई सी भी वो कर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम आप कोई सी भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अल्फा जो होता है आप लोगों के पास R4 रेड चैनल, B4 ब्लू, और
जी फॉर ग्रीन, अल्फा फोर चैनल, नॉर्मली आपके पास तीन चैनल होते हैं, तो अल्फा जो है वो एक अदर वैल्यू जो है इंटेंसिटी, कलर इंटेंसिटी की, तो वो स्टोर कर रहा होता है। तो जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो लोग ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं, वो ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी वगैरह की वैल्यूज जो हैं वो सेट की जाती हैं। तो इस तरह से RGB है कि एक अलग से पूरी की पूरी जो है वो स्कीम है, जिसके जरिए आप लोग जो है वो कलर्ड इमेजेस को डिस्प्ले पे शो करवाते हैं। तो अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है जी कि अगर हम लोगों ने वो तमाम कलर्स को जो है वो स्टडी करना हो, और हमने देखना हो कि कलर इमेजेस किस तरह से बन रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि वो पैलेट जो है उसके अंदर जितने कलर्स हैं, तो हर पिक्सल पे वो वैल्यू चेंज करेगा। तो इसका मतलब है वो छोटा सा बॉक्स जो आपको नजर आ रहा होता है, उसके अंदर क्या है, देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसको आगे हम करते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं S of n। अब ये देखो S1, S2, S3, S4 टिल SN। अब आपको n का नहीं पता कि n क्या वैल्यू अडॉप्ट करेगा, ठीक है, बट इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि n जो है, ठीक है, n विल नेवर टेंड्स टू इन्फिनिटी। n जो है वो कभी भी इन्फिनिटी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यानी कि ये एक डिफाइंड सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, जिसके अंदर हमें पता होगा कि इतने हमारे सेट ऑफ सॉल्यूशन निकल रहे हैं। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन सेट, या जिसको हम कहते हैं, इसको मैं, आप अक्सर थ्योरीज में देखोगे इसको कहा जाता है ये क्या, सॉल्यूशन स्पेस एसेस, ठीक है। तो जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी मैक्सिमम सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, आप उन सबके साथ मिलके काम करते हैं, यानी कि उनमें से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है उसको चूज करते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का ये काम होता है। जैसे कुछ जगहों पे आप क्या करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स में आप कंडीशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करने के लिए आप लोगों ने देखना होता है कि जी कंडीशन, लेट्स सपोज अगर सी को वैल्यू आप कहते हैं कि अगर 10 हो तो आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए, तो आप सोल्यूशन में से जाना शुरू करते हैं, जिस सोल्यूशन की वैल्यू 10 होगी बस वहीं पे स्टॉप करके आप एंड कर देते हैं। लेकिन ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, अब इसमें, इन एल्गोरिदम्स में जो है वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में एक्चुअली इस अप्रोच के जरिए हम दो चीजें लेते हैं। एक होता है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एक को कहा जाता है ऑप्टिमाइजिंग, और एक जो होता है उसको कहा जाता है सिंप्लिसिटी। ऑप्टिमाइजिंग और दूसरा सिंप्लिसिटी, ये दो केसेस हैं ब्रूट फोर्स के। अच्छा, इन दो केसेस में डिफरेंस क्या होता है? जो ऑप्टिमाइजिंग होता है ना, ऑप्टिमाइजिंग के अंदर ये होता है कि आपकी जो सॉल्यूशन स्पेस है ना, वो सारी की सारी जो है वो ट्रावर्स की जाएगी, ठीक है, सॉल्यूशन स्पेस जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप उन सब में से गुजरेंगे, और फिर जो उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन है आप उसको एज अ रिजल्ट शो करवा देंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इसको एज अ रिजल्ट शो करवा देंगे। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक वेरिएशन जो आती है लिटरेचर के अंदर, वो ये आती है कि इफ यू नो द प्रायर कंडीशन, अगर आपको प्रायर सॉल्यूशन मौजूद है, यानी कि आपको समझाया जाता है कि एक्यूरेसी मस्ट बी नियर 90% और 99%, तो उस सूरत में आप लोग क्या करते हैं कि आप पूरा सॉल्यूशन सेट ट्रावर्स नहीं करते, बल्कि लेट्स सपोज आप ट्रावर्सिंग कर रहे हैं और आपको किसी एक सोल्यूशन में जो है वो बेस्ट मैच मिल जाता है आपके प्रायर कंडीशन का, तो आप वहीं पे स्टॉप करके उसे रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो पहला तरीका तो इसकी ऑप्टिमाइजिंग जो मेथड है, ठीक है, जो केस है उसके अंदर ये है। पहला ऑप्टिमाइजिंग के अंदर ये होता है कि पूरा सोल्यूशन सेट ट्रावर्स करके जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो रिटर्न किया जाएगा। दूसरे में ये होता है कि नहीं, आपको प्रायरली बता दिया जाता है कि रिजल्ट मस्ट बी लाइक दिस, और फिर उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके जो भी सोल्यूशन मैच होता है उसको एज अ रिजल्ट शो करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन सेट को जो है वो ट्रावर्स करना शुरू करते हैं, जहां पे भी कदरे बेहतरीन आपको सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को आप जो है वो एज अ रिजल्ट जो है वो शो करवा देते हैं। तो ऑप्टिमाइजिंग और सिंप्लिसिटी में ये फर्क होता है, ठीक है। अब इन दोनों केसेस को यूज कहाँ पे किया जाता है?
अब अगर मैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में ऑप्टिमाइजिंग को यूज करूँ, तो ऑप्टिमाइजिंग में अभी हम लोग जो एग्जांपल जिसको फर्दर जाके हम टू डायमेंशनल मैक्सिमा के ऊपर ब्रूट फोर्स अप्लाई करने वाले हैं, तो ब्रूट फोर्स को जब वहां पे अप्लाई करेंगे तो वो ऑप्टिमाइजिंग की कंडीशन है। सिंप्लिसिटी में ये है कि आप लोगों के पास, और इसकी एक और एग्जाम्पल ब्रूट फोर्स की ये होती है कि ग्राफ थ्योरी के अंदर जब आप लोग एल्गोरिदम्स को पढ़ते हैं तो वहां पे आता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर सिटीज जो हैं वो दे दी जाती हैं, और आपका जो सेल्समैन है उसने उस तमाम रीजन को कवर करना होता है, लेकिन इस तरह से कि वो तमाम सिटीज में से गुजरेगा लेकिन किसी भी सिटी को टू टाइम्स जो है वो उसमें से ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का जो है ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ये होता है कि आपने ऐसा पाथ चूज करना है जो आपको कॉस्ट मिनिमम दे, कंडीशन को फुलफिल करे, और आपका सेल्समैन पूरा रीजन जो है वो ट्रेवल भी कर ले। अच्छा, अब ये ऑप्टिमाइजिंग जो केस है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का, उसकी ये एग्जाम्पल है। जब हम सिंप्लिसिटी की तरफ आते हैं तो सिंप्लिसिटी में हम लोग ये देखते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग पूरे रूट्स की जो कॉस्ट है उसको करें, हमें जो ऐसा रूट जो हमें मतलब मिनिमम, जैसे आप लोगों ने अगर स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स देखे हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं तो उसकी स्क्यूनेस जो है वो मेजर की जाती है, तो उसमें एक मिड पॉइंट रख दिया जाता है 0.5। अब 0.5 से नीचे कुछ वैल्यूज होती है, कुछ 0.5 से ऊपर होती हैं। ठीक है, 0.5 से नीचे जो वैल्यू होती हैं दे आर टेंड्स टुवर्ड जीरो, और 0.5 से ऊपर जो वैल्यूज होती हैं दे टेंड्स टुवर्ड्स वन। तो जो 1 के करीब करीब सोल्यूशन जाता जाता है, ठीक है, उसको आप 100% एक्यूरेसी की तरफ कंसीडर करते जाते हैं। जो 0.5 से नीचे 0 की तरफ टेंड करता जाता है वो वीकर सोल्यूशन होता है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते। सिमिलरली सिंप्लिसिटी केस के अंदर मेटाफोर आप यही ले सकते हैं कि आप लोगों के पास इसमें ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम अप्लाई किया तो जाता है, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि आपके पास एक्सेप्टेंस रेशियो क्या है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपको कहा जाता है कि 60 से अगर 100 के दरमियान आपका रिजल्ट आ रहा है तो वो एक्सेप्टेंस रेंज में है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास कोई ऐसा पाथ आएगा जिसकी कॉस्ट जो है वो 60 को टच करती है, तो ये जो सिंप्लिसिटी केस है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का, ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपको वही रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा और अगले सोल्यूशन को ट्रावर्स नहीं करेगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब इसको जाके देखते हैं कि किस तरह से ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम जो है वो टू डायमेंशनल मैक्सिमा के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे पी जो है वो आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक मैक्सिमा मैक्सिमल पॉइंट को ढूंढने का ना एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसके अंदर एक फंक्शन बनाया गया है मैक्सिमा के नेम से, और उसके पैरामीटर्स रखे गए हैं। एक आपके पास एरे है, ठीक है, और उसके अंदर पॉइंट्स की वैल्यूज को स्टोर किया गया है। एक वेरिएबल एन है, फंक्शन का नेम मैक्सिमा है, और इसके अंदर आप लोगों ने दो लूप्स लगाई हुई हैं, और पहले आई जो है वो 1 to n तक जाएगा, फिर डू डू के अंदर मैक्सिमल ट्रू, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, जे को 1 to n करेंगे, और अब यहाँ पे आके आप कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन वही है डोमिनेंस वाली कि अगर आई बराबर नहीं है जे के, यानी कि दोनों पॉइंट डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो आप क्या करें, आप पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसको कंपेयर करें, और इसी तरह से पहले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, और बीच में ऑपरेटर क्या लगना है, एंड, ठीक है, तो इन दोनों को कंपैरिजन करें। अगर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो मैक्सिमल को कर दें फॉल्स और किसको कर दें ब्रेक, खत्म कर दें, और अगर नहीं होती तो मैक्सिमल को करें ट्रू, ठीक है, और इसको पॉइंट को यहाँ पे शो करवा दें कि ये आपका मैक्सिमल पॉइंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो जीरो कोड हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, इसके अंदर जो है वो हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस जो है उसको चेक किया जा रहा है, और तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और उनकी ऑप्टिमेलिटी को चेक किया जा रहा है और डोमिनेंस को चेक किया जा रहा है। जैसे ये पॉइंट दोनों को कंपेरिजन यहाँ पे रेड हेडेड लाइन से आपको शो करवाया गया है कि इससे ये वाली दोनों डोमिनेंस में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट देखा गया, नेक्स्ट पॉइंट जो था वो ये था, इससे देखा गया ये दोनों पॉइंट डोमिनेंस में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से फर्दर किया गया, ठीक है, कौन सा पॉइंट डोमिनेट कर रहा है और किसको कर रहा है, ठीक है, 7 7 जिसके कोऑर्डिनेट है उसको ये सारे पॉइंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से ये कंपैरिजंस कर करके ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स
पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी किया गया और देखा गया कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो डोमिनेंट पॉइंट्स हैं। तो आपके पास 7-13 है, 12-12 है, 14-10 है, 15-7 है। अच्छा, ये अब आपकी सारी सोल्यूशन स्पेस बन गई है, इसमें से अब आप कोई सा भी पॉइंट उठा लें वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग केस है ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का, कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, हमें नंबर ऑफ जो पॉइंट्स थे वो दिए गए थे, हमने उनको ड्रॉ किया, देखा सारे पॉइंट्स को, कंपैरिजन किया, उसमें से जो ऑप्टिमल पॉइंट्स थे उन्हें बाहर निकाला, और फिर निकालने के बाद अब हमारे पास एक सोल्यूशन सेट जनरेट हो चुका है जिसमें 4 मैक्सिमम सोल्यूशंस आ रहे हैं। इन सोल्यूशंस में से आप कोई सा भी सोल्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो आपकी कंडीशन जो आपने रखी थी गाड़ी को चूज करने की उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग रनिंग टाइम एनालिसिस पे, कि हम लोग रनिंग टाइम एनालिसिस जो है वो क्या करते, क्यों करते हैं, और हमें किस लिए इसकी जरूरत होती है, और जो प्रायर एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, मैथमेटिकल एनालिसिस जो है, आपको मैंने शुरू में एक वर्ड बोला था असिम्प्टोटिक म्यूटेशंस का, वो मैथमेटिकल जो है वो आप लोगों के पास चैप्टर है जो एनालिसिस करता है किसका, एल्गोरिदम्स का। अब ये क्यों किया जाता है, ये एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने के लिए किया जाता है, और हम लोगों को सिर्फ टाइम से ही कंसर्न नहीं है बल्कि हम लोग इस चीज में भी इंटरेस्टेड हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी कितनी इस्तेमाल होती है जो भी एल्गोरिदम आपने डिजाइन किया उसके थ्रू। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको हम लोग किस तरह से देखेंगे और किस तरह से उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल वे में हम लोग जो है वो रनिंग टाइम एनालिसिस करेंगे। वैसे जो रनिंग टाइम जो रियल में रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप लोग एनालिसिस करते हैं उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आप लोगों ने कंपाइलर कौन सा यूज किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे थे, आपके सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशंस थी, ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर की क्या थी, मशीन स्ट्रक्चर क्या था, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपकी डिपेंड करती हैं, आपकी जो एनालिसिस है उसको इफेक्ट करती हैं। तो लेकिन हम लोग जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल थ्योरीज के जरिए जो है उसको उसकी मदद से एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास रनिंग टाइम एनालिसिस के लिए बुक्स के अंदर आपको वर्स्ट केस और एवरेज केस जो है वो नजर आएगा, कि वर्स्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस टाइम एनालिसिस एंड एवरेज केस टाइम। वर्स्ट केस टाइम इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवरऑल लीगल इनपुट्स ऑफ साइज एन, ये आपने याद रखना है, ये कंडीशन है। सबसे पहला वर्ड मैक्सिमम रनिंग, ठीक है, और फिर उसके बाद लीगल इनपुट्स ऑफ साइज एन। लेट आई डिनोट एनी इनपुट इंस्टेंस, लेट आई डिनोट इट्स लेंथ, ठीक है, एंड लेट टी आई डिनोट द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम ऑन इनपुट आई। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि आई फर्ज करें कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और उसके अंदर जो है एल्गोरिदम आपने सोल्यूशन लिखा और उसके अंदर आप लोग जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो एन दे रहे हैं, और फर्ज करें उस सेट ऑफ एन में से एक इनपुट आपने चूज कर ली आई, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी वो देख ली वो आई के साथ आप उसको डिटरमिन कर रहे हैं, और टी ऑफ आई जो है वो टाइम ले रहा है, तो हम लोग इसका वर्स्ट केस कैसे एनालिसिस करेंगे। तो क्योंकि हम टाइम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमने टाइम फंक्शन यहाँ पे लिखा टी, नीचे हमने वर्स्ट लिखा ताकि आपको पता चले कि वर्स्ट केस कर रहे हैं किसका, एन नंबर ऑफ इनपुट्स का। तो ये हमें रिटर्न क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रनिंग टाइम, ठीक है, मैक्सिमम रनिंग टाइम किसके बराबर है, ये बराबर होता है लेंथ ऑफ इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू एन, जो कि एन के इक्वल हो, ठीक है, और फिर उसके बाद टी ऑफ आई जितना वो टाइम लेगा। ठीक, तो ये मैक्सिमम जो लेंथ है आपकी वो इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्स्ट केस टाइम। तो ये बाउंड किसके साथ है, ये बाउंड है कि जो नंबर ऑफ सेट सेट ऑफ इनपुट्स है वो क्या है, वो आपके पास आई इज इक्वल टू एन जो है यहाँ पे, ये आपको एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि आपके पास जैसे आपने कहा कि इस इनपुट का साइज कितना है एन, ठीक है, और आई जो है वो उसकी क्या कर रहा है, एक इंस्टेंट हमने ले लिया इनपुट का, तो उसका साइज किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से, तो इसका मतलब है जितनी लेंथ होगी एन की, ठीक,
तो वो जितना टाइम लेगी वो मैक्सिमम रिटर्न करेगा ये फंक्शन, तो ये आपका वर्स्ट केस टाइम होगा। उसके बाद एवरेज केस टाइम, ये आपके पास ऑल इनपुट्स ऑफ साइज एन जो है उसी को कंसीडर करता है, पीआई जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग दिस इनपुट, और एवरेज केस टाइम इज द वेटेड सम ऑफ रनिंग टाइम्स विद वेट्स, ठीक है, बीइंग द प्रोबेबिलिटीज। यानी कि जो वर्स्ट केस होता है ये आपको फर्म एक जो होता है ना एक डिफाइंड सोल्यूशन दे रहा होता है कि मैक्सिमम रनिंग टाइम आपका इतना लगेगा अगर इनपुट की साइज इतना होता है और उसकी लेंथ इतनी होती है, ठीक है, और वो टाइम इतना लेती है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है आपको, तो इसके जरिए आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज केस के अंदर क्या होता है, एवरेज केस में यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ हैविंग अ पर्टिकुलर इनपुट टू अपेयर इन द सोल्यूशन। तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आई शो कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वही टाइम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम फंक्शन लिखेंगे, इनपुट एन ही रहेगी क्योंकि एवरेज है तो एवरेज लिख देंगे, और इसमें क्या होगा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जो भी सोल्यूशन आएगा उसके चांस को भी आप काउंट करेंगे और उसके टाइम को भी काउंट करेंगे, और नीचे वाली कंडीशन आपकी सेम ही है कि आपके पास इंस्टेंट है और उसका साइज और लेंथ क्या है। अच्छा, जो वर्स्ट केस जो होता है वो आप लोगों का जो होता है वो अपर लिमिट को नॉर्मली डिफाइन करता है, और एवरेज केस जो होता है ये आपकी जो होती है नंबर ऑफ चांसेस को, यानी कि एवरेज होता है ये ना आपका लोअर केस में जा रहा होता है ना अपर केस में जा रहा होता है। तो हम लोग नॉर्मली जो है इंटरेस्टेड जो होते हैं वो वर्स्ट केस में होते हैं कि हमें मैक्सिमम पता चल जाए कि हमारा जो सोल्यूशन हमने डिज़ाइन किया वो मैक्सिमम कितना टाइम अर्न करेगा। तो जो एवरेज केसेस होते हैं ये एक्चुअली आपके इनपुट की जो है ना वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको जनरेट करते हैं, ठीक है, और हमें बता रहे होते हैं हाउ मेनी चांसेस कि आपके पास इतना हो सकता है। ये जो एवरेज केस होता है ना ये माइट बी के एरिया को कवर कर रहा होता है, मे बी माइट बी, ठीक है। लेकिन वर्स्ट केस जो होता है क्योंकि ये आपको डिफाइंड अपर बाउंड बता रहा होता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर बुक्स के अंदर देखेंगे कि वर्स्ट केस को ही स्टडी किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आता है एनालिसिस ऑफ द ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिदम। ये आपके पास वो सीडो कोड है जो हमने ऊपर देखा था, ठीक है। अब आपको याद होनी चाहिए कि जो रैम की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, जो रैम हमने मॉडल पढ़ा था वो, उसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कहीं पे कोई चीज़ असाइन हो रही है, ठीक है, तो हमने उसके नंबर ऑफ टाइम्स जो है उनको कंसीडर कर लेना है। अगर कोई भी और असाइनमेंट ऐसी क्या लाइक जैसे कोई वेरिएबल आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं या इस तरह से, तो ये कंडीशंस आप देख लीजिएगा गूगल करके। तो कंडीशंस आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो कहीं पे भी बुक्स के अंदर नहीं लिखी होंगी इस एनालिसिस की, तो वो आप गूगल करके देख लीजिएगा, एग्जाम्पल्स के साथ ही होता है। तो अब इसको सिंपली यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे आप लोगों ने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के जी पैरामीटर्स हैं, तो सिर्फ एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आई को देते हैं तो आई के अंदर अब असाइनमेंट हो रही है, 1 से लेके n तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे वैल्यू को जब एक्सेस किया जाएगा तो n टाइम्स एक्सेस होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 1 से लेके n तक कौन सी वैल्यू आ सकती है। फिर डू मैक्सिमल इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है, यानी कि उसको चेक करें, और उसके बाद 4 के अंदर फिर वेरिएबल्स के ऊपर काम हो रहा है 1 to n, तो ये भी एन टाइम एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, नथिंग टू प्रोसेस। तो फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पे आपके जो हैं वो चार वेरिएबल्स चार वैल्यूज को लेके उनका कंपेरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे 4 एक्सेसेस हैं। बाकी भी फिर आप लोगों का सारा फॉल्स ब्रेक और इस तरह से लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 एक्सेसेस हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स को स्टडी किया जा रहा है, तो जो टोटल आपका टाइम बनेगा वो n टाइम्स n टाइम्स 4 और इस तरह से। अब आप इसको देखेंगे, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ये नेस्टेड समेशन है, तो नेस्टेड समेशन के अंदर हम लोगों के पास 2 लूप है, एक लूप को हम आई लूप कह देते हैं, दूसरी को हम कह देते हैं जे लूप। तो सबसे पहले हम जे को सम अप करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो आई को सम अप करेंगे। अच्छा, जे को सम अप करने के लिए जो है ना वो जहाँ से जे स्टार्ट होता है एन टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, और 4 एक्सेसेस लेता है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको ये करेंगे कि आप लगाएंगे समेशन और आप लिखेंगे जे इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि जे को हमने यही असाइन किया था 1 to n, एन टाइम एक्सेस कर रहा है, और इसके बीच में कितनी एक्सेसेस हो रही है, 4 एक्सेसेस। तो ये जितना एरिया है
मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जितना एरिया है हमारे पास, ये वाला ये इनर लूप है और इसको हमने एक्सेस कर लिया, मतलब सम अप कर लिया इसकी मदद से, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अगर हम लोग इससे बाहर आते हैं, ठीक है, तो बाहर आके जो हमारे पास एक्सेस है वो यहाँ पे क्या है, टू, कांस्टेंट टू एक्सेसेस हैं, तो प्लस हमने टू किया। और ये तमाम कब होगा, जब हमारे पास जो है, जब हमारे पास ये आउटर कंडीशन पूरी होगी, ठीक है ना। तो आउटर कंडीशन के लिए फिर, क्योंकि एन टाइम्स और ये फिर 4i2n है, तो हम लोग इसको फिर सम अप करेंगे, क्योंकि ये इसने उतनी दफ़ा चलना है जितनी दफ़ा ये आपका यहाँ से जो है वो n की वैल्यू एक्सेस होनी है। तो आपको नहीं पता ना n की कौन सी वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यूज को काउंट करने के लिए हम फिर सारा जो n है उसको सम अप करेंगे, i इज इक्वल टू 1 to n। तो जब आप लोगों के पास कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, तो ये n जो है वो उसके साथ आ जाता है, तो ये 4n+2 हो जाएगा। और जब हम इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 4n² + 2n आ जाएगा। तो ये जी आपका टोटल रनिंग टाइम एनालिसिस है, ठीक है। और अब क्योंकि ये n n स्क्वायर टर्म है, तो आप लोगों का वर्स्ट केस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा θ(n²), ठीक है। और ये असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट कहलाता है, ठीक है, ऑफ द फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को मैं असिम्प्टोटिक म्यूटेशन ही पढ़ाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देख ली कि जब आप लोगों के पास ऐसे सीडो कोड गिवन होते हैं, और ये ना टोटली आप पे जो एनालिसिस कर रहा होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो किस चीज़ को कितना टाइम असाइन कर रहा है। जैसे इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर उन्होंने सिर्फ जो वेरिएबल्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन का और असाइनमेंट का, सिर्फ उसे कंसीडर किया हुआ है, तो उसको कंसीडर करते हुए हम किस तरह से जो है वो समेशंस जो हैं वो अप्लाई करके, तो एक जो है वो रनिंग टाइम का जो फंक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं। और फिर वो जो सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है, उसमें हम लोग देखते हैं सबसे हायर एक्सपोनेंट क्या है, तो ये एन स्केयर है। तो यही इसका रनिंग टाइम एनालिसिस है इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल का, जो टू डायमेंशनल मैक्सिमा के अंदर है। और यहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो असिम्प्टोटिक ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो एन स्केयर के साथ लिंक्ड है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं।